से क्या कनेक्शन है? आप में से कितने लोग हैं जो हमेशा हर हाल में, चाहे लाइफ में कुछ भी चल रहा हो, खुश रहना चाहते हैं, हंसते खेलते रहना चाहते हैं, मतलब बिल्कुल बच्चे के जैसे मस्त रहना चाहते हैं? सब चाहते हैं। इसका सबसे आसान रास्ता पता है क्या है? हमें खुद पर हंसना सीखना है। यही आज के सेशन का थीम है। हाउ टू लर्न टू लाफ एट आवरसेल्फ्स। क्योंकि दूसरों की वीकनेसेस पर हंसना, दूसरों के फेलियर्स पे हंसना, ये तो पूरी दुनिया करती है। मजा तब है जब हम खुद की वीकनेसेस पर, खुद के फेलियर्स पर दिल खोल करके हंस सके, बिना किसी झिझक के, बिना किसी डर के। सिर्फ दिखाने के लिए नहीं कि अगर एक ग्रुप में खड़े हैं 10 लोगों के साथ में और हमारा मजाक उड़ रहा है तो मुंह पे ऊपर ऊपर तो हंस रहे हैं, अंदर अंदर गालियां दे रहे हैं। ये बोल ले बेटा, तू मुझे बोल, मैं तेरे को बोलूंगा अभी थोड़ी देर बाद। तू मेरी नाक के बारे में बोल, मैं तेरे दांत के बारे में बोलूंगा। तो करना क्या है कि अगर हंस रहे हैं तो खुल के हंस रहे हैं, दिखाने के लिए नहीं, उनके साथ हंस रहे हैं। ऐसा नहीं कि जब उनका मजाक उड़ रहा है तो हम हंस रहे हैं और खुद का उड़ रहा है तो अंदर ही अंदर सीरियस हो रहे हैं। तो ये क्या है और इससे क्या होता है? मैं आपको कोई थियोरेटिकली नहीं बताऊंगा, अपना खुद का एक रियल लाइफ एग्जांपल दूंगा कि मैंने ये चीज़ कब और कैसे सीखी। जब मैं करीबन 8 या 9 साल का था तो स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ में पकड़म पकड़ाई खेल रहा था। भागते भागते मैं अपने स्कूल के स्टेज पर चढ़ गया, स्टेज पर गया और वहाँ से जा करके मैंने छलांग लगा दी। नीचे कूदा, मैंने देखा नहीं था, वहाँ पर एक कांच की टूटी हुई बॉटल पड़ी थी और वो कांच मेरे हाथ में यहाँ पर घुस गया, आर पार हो गया। जिसके बाद से जो हुआ सो हुआ, लेकिन उसके बाद से मेरे यहाँ की एक नर्व पूरी तरह से डेड हो गई। और एक वो दिन है, एक आज का दिन है, मेरी ये जो उंगली है ये मूर्ति नहीं है। आप में से भी शायद कुछ लोगों ने इस चीज़ को नोट करा होगा कि जो लेफ्ट हैंड की मेरी ये फिंगर है ये मूर्ति नहीं है। जैसे ये वाली हैंड की जो फिंगर है इसको मैं ऐसे ऐसे मोड़ सकता हूँ, इसको मैं ऐसे तो कर सकता हूँ, ऐसे नहीं मोड़ सकता, पकड़ करके मोड़ सकता हूँ, अपने आप नहीं मोड़ सकता। तो हुआ क्या, जैसा कि स्कूल में होता है कि मेरा जो स्कूल का ग्रुप था, दोस्त थे, उनको तो कोई टॉपिक चाहिए होता है ना, कोई मुर्गा चाहिए होता है। स्कूल में यही होता है सबके साथ में, स्कूल कॉलेज में, कि एक ग्रुप बना हुआ है, एक को मुर्गा बना लिया और सब उसके पीछे पड़े हुए हैं। तो मेरे स्कूल का मुर्गा मैं था, मेरे स्कूल का जो ग्रुप था उसमें वो मुझे पकड़ते थे। मेरा नाम संदीप से बदल करके मेरे स्कूल में, और ये चीज़ करीबन 12th स्टैंडर्ड तक चली थी, संदीप से बदल करके मेरा नाम हो गया था उंगली। तो उंगली आ रहा है, उंगली आ रहा है, उंगली आ रहा है, कोई मुझे उंगली मार बोलता था, कहता यार तेरे से अच्छा तो उंगली मार डाकू था, उसने औरों की उंगलियों को मारा, तूने खुद की उंगली को मार दिया। तो ऐसी ऐसी तरह तरह की चीज़ें होती थी। एक आपने वो कहावत सुनी होगी कि जब घी सीधी उंगली से ना निकल रहा हो तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो ग्रुप में जब खड़े होते थे तो सब आपस में पूछते थे, कहते यार ये संदीप क्या करेगा, घी कैसे निकालेगा, वो तो बेचारा रूखी रोटी खाएगा। तो ऐसी ऐसी चीज़ें होती थी। और भी कोई भी टॉपिक चल रहा होता था, कोई भी, मतलब किसी और टॉपिक के बारे में बात हो रही है और सबका हंसने का मन कर रहा है तो वो घूम फिर के फिर मेरी उंगली पे आ जाते थे। तो उस टाइम पे क्या होता था, 12th स्टैंडर्ड तक मुझे बहुत गुस्सा आता था जब भी कोई मेरा इस तरीके से मजाक उड़ाता था। बाहर बाहर से मैं दिखाने के लिए कई बार हंसता था लेकिन अंदर ही अंदर मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ती चली जा रही थी। कई कई बार मेरी लड़ाई हो जाती थी उन लोगों से, वो मुझे एक बोलते थे, मैं उनको 4 बोलता था और बातों बातों में बहस हो गई, कई कई बार हाथापाई भी हो गई, लड़ाई हो गई, गुस्सा बढ़ता जा रहा है। 12th स्टैंडर्ड पहुँचते पहुँचते मेरी जो फ्रस्ट्रेशन है वो दो चीज़ों को लेकर के बढ़ गई। एक, ये जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे उनसे रिलेटेड, जो भी मेरे दोस्त थे, सो कॉल्ड दोस्त। दूसरी मेरी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई भगवान से कि आपने मेरे साथ में ऐसा क्यों किया, कि अगर उस दिन वो बॉटल वहाँ नहीं होती और मेरी उंगली यहाँ पे इस तरीके से नहीं हुई होती, क्योंकि बच्चे का दिमाग ऐसे ही होता है, तो मेरे को अंदर ही अंदर फ्रस्ट्रेशन हो गई कि यार काश मेरे साथ में ये नहीं हुआ होता, मेरी उंगली ठीक होती तो मेरा इतना मजाक नहीं उड़ता जितना अभी उड़ रहा है, मतलब हर बात पे मजाक। तो ये थी मेरी 12th स्टैंडर्ड तक की लाइफ। उसके बाद में मैं कॉलेज में गया और वहाँ पर मेरा एक दोस्त बना, उसको पोलियो था और वो सीधे तरीके से चल नहीं सकता था, तो उसके पास में हमेशा बैसाखियाँ होती थी जिसके सहारे से वो चलता था। उस बंदे की एक खास बात थी कि उसको कभी भी, मतलब मैं कॉलेज में 2 साल रहा हूँगा और मैंने कभी भी उस बंदे को इतना सा भी परेशान नहीं देखा, किसी ने नहीं देखा, मतलब उसके चेहरे पे शिकन तक नहीं, यहाँ पर सलवटे तक नहीं, हमेशा हंसता खेलता रहता मज़े में। और उसकी क्वालिटी क्या थी, जो मैंने लाइफ में पहली बार ऐसा एक बंदा देखा था, पहली बार
कि वो खुद की वीकनेसेस का, खुद की कमियों का खुल करके मजाक उड़ाता था और लोगों को जहां पर उसके ऊपर तरस आता था उसको नहीं आता था अपने ऊपर तरस, वो अपना मजाक उड़ाता और सब हंसते और सब उसको प्यार करते। मतलब खुद तो अपना मजाक उड़ाता था और हंसता था और सब साथ में हंसते थे, लेकिन उसका मजाक कोई नहीं उड़ाता था। तो ये चीज मेरे लिए नई थी और मैंने उसको ऑब्जर्व करना शुरू किया, उसके साथ में रहा, उससे इस चीज को मैंने सीख लिया। इस क्वालिटी को जो उस बंदे के अंदर थी, मैंने कहा कि नहीं, मुझे भी ऐसा ही बनना है, मुझे इस चीज को सीखना है कि खुद पर कैसे हंसा जाता है। और इसको मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया, पहले अपना थोड़ा थोड़ा सा मजाक उड़ाया, ये किया वो किया, अपनी वीकनेसेस का, अपनी उंगली का ही मैंने थोड़ा थोड़ा मजाक उड़ाना शुरू कर दिया, थोड़ा थोड़ा। तो मैं बाहर से कोशिश तो कर रहा था मजाक उड़ाने की, लेकिन अंदर ही अंदर उड़ा नहीं पा रहा था। लेकिन इस चीज़ को प्रैक्टिस करते करते कुछ महीने बाद मैं इस चीज़ में परफेक्ट हो गया, मतलब फिर मुझे बिल्कुल भी झिझक नहीं होती थी। और मैं आपको एक अपना एक बहुत ही एम्बैरेसिंग एक्सपीरियंस बताता हूँ लाइफ का, जो अगर पहले वाला संदीप होता, मतलब कि वो स्कूल वाला संदीप, तो वो बैठ करके रोता, चीखता, चिल्लाता। लेकिन ये जो कॉलेज वाला संदीप था, जो सीख गया था अपने ऊपर हंसना, उसने बड़ा एंजॉय किया, उसके लिए वो मज़ा था, मस्ती थी। आप में से कितने लोग बस में ट्रैवल करते हैं, भरी हुई बस में, जिन्होंने अच्छे से ट्रैवल किया है या पहले कभी किया है? ऑलमोस्ट सब ने। तो आप लोग बड़े आराम से रिलेट कर पाएंगे कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। मैं कॉलेज से अपने घर आ रहा था एक बस के अंदर, और वो बस पूरी खचाखच भरी हुई थी। और बस में ट्रैवल करने की मेरे को सबसे ख़राब चीज़ ये लगती है कि उसमें जब बस पूरी तरह से भरी होती है तो सबके हाथ ऐसे होते हैं और ज़्यादातर लोगों ने डिओड्रेंट नहीं लगाया होता। आप लोगों ने शायद ये प्रॉब्लम फेस करी होगी। तो हुआ क्या कि मैं ऐसी बस में ट्रैवल कर रहा, बस पूरी भरी हुई, और मुझे एक बड़ी अच्छी खुशबू आई, मतलब कमाल के एक परफ्यूम की खुशबू। और मैंने कहा, यार ये क्या है, जहन्नुम में जन्नत दिख रही है, क्या है ये? मैं मतलब उसमें खो गया उस खुशबू में। और मैंने अपने दोनों तरफ देखा, मैंने कहा ये कहाँ से आ रही है? तो मैंने पहले इधर देखा, इधर से नहीं थी, उधर देखा तो मेरे पीछे लेफ्ट साइड में एक लड़की खड़ी हुई थी और उसने परफ्यूम लगाया। ये लड़की के नाम पे वो करने वाली बात। और जैसे मेरी नज़र पड़ी कि ये इस लड़की में से ये परफ्यूम की खुशबू आ रही है, तो मेरे फेस पे हल्की सी स्माइल आ गई। और ये स्माइल उस लड़की को देख करके नहीं आई थी, क्योंकि आप लोगों को बैकग्राउंड पता है, उसको नहीं पता था। ये स्माइल आई थी उसके परफ्यूम की वजह से, कि मैंने देखा और मैंने कहा कितना अच्छा परफ्यूम है, तो हल्की सी स्माइल आई। लेकिन उस लड़की को ये डाउट हो गया कि मैं उसको छेड़ रहा हूँ, मैं उसमें लाइन मार रहा हूँ, और वो बिल्कुल गुस्से से मेरे को घूरने लग गई। मतलब उसने गुस्से वाली मेरे को लुक दी और मैंने फटाफट से अपना मुँह नीचे कर लिया। मैंने कहा भाई पिटना नहीं है तो मुँह नीचे कर लो, भीड़ यहाँ पर बहुत है, बहुत मारेंगे सब मिल करके। तो मैं अपना आराम से ऐसे ही खड़ा हुआ। उसके 10-15 मिनट बाद में, गर्मी बहुत ज़्यादा थी, गर्मियों का टाइम था, और मेरे फेस पे पसीना आया। तो मैंने क्या किया, अपनी जेब में हाथ डाला रुमाल निकालने के लिए। अब ध्यान से देखो मेरा हाथ कैसा है, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मेरी उंगली मुड़ती नहीं है। तो मैं गया, मैंने जा करके अपनी जेब में हाथ डाला, रुमाल निकाला, और जब रुमाल निकाल रहा था तो वो उंगली जा करके उस लड़की के पैर पर टच हो गई, उसके पैर पर टच हो गई। आपने वो कहावत सुनी होगी, कंगाली में आटा गीला। बिल्कुल ऐसे ही कुछ मेरे साथ में हुआ कि पहले ही मेरी पिटने वाली हालत थी और ऊपर से वो उंगली जा करके उसके पैर पर टच हो गई। मैं रुमाल लेकर के चुपचाप अपने फेस पे आया और मेरी हालत ख़राब। मैं मनी मन सोच रहा, मैंने कहा भाई अब क्या करूँ? दो ऑप्शंस हैं मेरे पास में, एक तो ये है कि पलट करके इसको फटाफट से सॉरी बोल दूँ, लेकिन उसमें एक रिस्क है कि क्या हो अगर उसको पता ही नहीं है कि उंगली मेरी थी इतनी भीड़ में। और मैंने बोला तो जबरदस्ती पिटने वाला सीन क्रिएट हो जाएगा। वो कहेगी अच्छा मेरे को उंगली मारी, तूने मारी? तो मैंने कहा भाई, तो मैं दूसरा ऑप्शन मेरे पास में ये था कि मैं चुप रहूं, आराम से देखता रहूं मुंह नीचे करके, ऐसे रिएक्ट करूं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। तो मैं सोच ही रहा था इन दोनों ऑप्शन में से मैं कौन सा चूज करूं। इतनी देर में मेरे यहां पर राइट साइड में पीछे से किसी का हाथ आया, मतलब तगड़ा, जैसे सनी देओल का हाथ है ना, 2.5 किलो का हाथ, वो आया यहां पे थड़ 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 ऐसे करके। ओए, पीछे से आवाज आई, ओए। मैंने पीछे पलट करके देखा और उस लड़की के साथ में एक लड़का खड़ा हुआ था, बॉडी बिल्डर टाइप का। अभी मुझे याद है उसने ब्लड रेड कलर की टाइट फिट टी शर्ट पहनी हुई थी और उसके जो डोले थे, मतलब कि उसकी बाइसेप्स, वो ऑलमोस्ट उस टी शर्ट को फाड़ने वाली थी। इतना तगड़ा बंदा वहाँ पे पीछे खड़ा हुआ था, उसकी हाइट होगी करीबन 6-6 फीट। तो मैंने उसको पलट करके देखा और पलटते ही अब मेरे को समझ ही नहीं आया मैं क्या बोलूँ। अब बहुत देर हो चुकी थी, अब सॉरी बोलने वाली स्टेज जा चुकी थी। मैंने कहा हाँ जी, बस मेरा ये बोलने की देर थी। लड़की का गुस्सा और बढ़ गया, कहती हाँ जी, मैं तुझे बताऊँ हाँ जी,
एक तो मुझे पहले देख करके हंसता है, उसके बाद में टच करता है और फिर पलट करके कहता है हाँ जी, तो उल्टा पड़ गया मेरे ऊपर. मतलब जैसे ही मैंने उसको बोला, फिर मैंने उसको समझाया, मैंने कहा जी आई एम वेरी वेरी सॉरी. अब मैं आपको किस तरीके से समझाऊं, आप देखो ये जो मेरी दो उंगलियां हैं, आप देखो इन दोनों की शेप्स में आपको साफ फर्क पता लग जाएगा. मेरी जो उंगली है मूर्ति नहीं है, मैंने जानबूझ करके नहीं किया, गलती से हो गया है. तो उसके बाद में उस लड़के ने बड़ा कमाल का डायलॉग बोला जो उसके साथ में था, मुझे नहीं पता वो उसका क्या था, पर उसने बड़ा सही डायलॉग बोला. कहता ओ हीरो, मैं कहा हाँ जी और क्या बोलूँ, मैं कहा हाँ जी. कहता है मेरा हाथ दिख रहा है, ये भी अगर एक बार पढ़ना शुरू हो जाए ना तो रुकता नहीं है, जैसे तेरी उंगली मुड़ती नहीं है. तो मैंने कहा भाई आज तो तू गया, आज तो पिटाई होनी पक्की है. फिर उसके बाद में मैंने जितनी मैं कोशिश करता चला जा रहा था उतनी ही गड़बड़ होती चली आ रही थी. और ऐसे में गड़बड़ क्या होती है कि यहाँ तक तो ठीक था, मतलब ये जो लड़का था और ये लड़की थी इसको तो मैं फिर भी किसी तरह से हैंडल कर लेता, लेकिन ऐसे में क्या होता है जितनी भी भीड़ होती है वो सब लड़की की तरफ हो जाती है. उनको ये लगता है कि सारे लड़के ही बुरे हैं और कोई समझने को तैयार नहीं, मतलब किसी को पता ही नहीं कि हुआ क्या है. और वहाँ पर पीछे एक मूछों वाले अंकल खड़े थे, वो बोलते कहते ओए शर्म नहीं आती तेरे को, तू लड़की को छेड़ता है, भरी बस में लड़की को छेड़ रहा है. मैं पलटा, मैंने उनके हाथ जोड़े, मैं कहा अंकल जी आज तक मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को नहीं छेड़ा, मैं इनकी गर्लफ्रेंड को क्या छेड़ रहा हूँ. मतलब मैं समझाने की कोशिश कर रहा, मैंने कहा एक बार देखो तो सही, देखो तो सही. कहते गंदे गंदे इशारे करता है, चल साइड हो चल. मतलब कोई भी अपनी वाइफ की फ्रस्ट्रेशन, अपनी जॉब की फ्रस्ट्रेशन आकर के मेरे पे निकाल रहे, आकर के ले ले धक्के धक्के देते देते. तो कब मुझे धक्के पड़े और कब मैं बस के आगे तक पहुंचा, कब कंडक्टर ने बस रोकी और मैं बस से उतरा, मुझे पता ही नहीं लगा. सब कुछ अपने आप हो गया. धक्के खाते 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 बीच रास्ते में मुझे बस से निकाल दिया. इनफैक्ट मेरा जो कॉलेज का बैग था वो भी बस में रह गया. और मैं उतरा, और उतर करके अगर वो पहले वाला संदीप होता, वो स्कूल टाइम वाला, तो वो क्या करता, वो रोता, वो जा करके उस भगवान को बोलता हे भगवान तूने मेरे साथ में क्या किया, मेरी तो कोई गलती भी नहीं थी, ऐसे पिट गया, ऐसे मेरे कपड़े फट गए, ऐसे ये सब हो गया. यही करता. और दूसरी चीज़ क्या करता, इस एक्सपीरियंस को, ये जो हुआ मेरे साथ में, इसको एक भयानक सपना समझ करके भूलने की कोशिश करता, ये भूल जाओ. और मज़े की बात पता है क्या है, आप जितना भी किसी चीज़ को भूलने की कोशिश करते हो वो चीज़ उतनी ही याद आती है. हुआ आप लोगों के साथ ऐसा, जितनी कोशिश करता वो अंदर ही अंदर मेरे रह जाता, मतलब बाहर नहीं आ पाता कभी भी. लेकिन ये था पहले वाला संदीप, मतलब कि वो स्कूल वाला संदीप जो उस अपने कॉलेज के फ्रेंड से नहीं मिला था, लेकिन वो मर चुका था. अब था ये कॉलेज वाला संदीप. मैंने क्या किया, वहाँ से उतरा, मैंने कहा यार बैग तो अंदर रह गया है, लेकिन दोबारा पिटने की मेरी हिम्मत नहीं थी, तो मैंने कहा दोबारा जाना तो बस के अंदर ठीक नहीं है. तो साइड में आया, वहाँ पर आ करके एक पानी की रेड़ी वाला खड़ा हुआ था, गर्मियों के अंदर वहाँ पर पानी की रेड़ी वाले खड़े होते हैं, उससे बढ़िया सा नींबू पानी बनवाया. नींबू पानी बनवा करके रोड के साइड में बैठा और हंसने लगा, अपने ऊपर ही हंसने लगा. मतलब अकेले में खुद का मजाक उड़ा रहा था और बार बार सोच रहा, मैंने कहा यार मैंने सॉरी क्यों नहीं बोला. और अपने घर गया, वहाँ जा करके अपनी सिस्टर को एक किस्सा सुनाया. मैं कहा देख भाई मेरे साथ में ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं. सिस्टर भी बहुत हंसी, कहती भैया तू तो बिल्कुल ही बेवकूफ़ है, बिल्कुल ही पागल है, ये क्या ज़रूरत थी ये सब करने की. मैंने कहा मैंने किया थोड़े वैसे ही हो गया, मैं क्या करूँ. उसके बाद में अपने उन स्कूल फ्रेंड्स के पास में गया, वही जो मेरा बहुत मजाक उड़ाते थे, उनके पास में गया, उनको भी जा करके अपने पूरा किस्सा सुना दिया. और वो भी बहुत हंसे, कहते हमने सही नाम रखा था तेरा उंगली, देख उंगली करी दी ना तूने. कहते तू बाहर नहीं आया, पंगे ले ही लिए ना. मैंने कहा हाँ यार क्या करूँ, मैं ऐसा ही हूँ. तो अब फ़र्क क्या था, क्योंकि मैं खुद पर हंसना सीख चुका था, उस समय नहीं आता था. तो अब वो लोग जैसे ही मेरा मजाक उड़ाते, पहले वो मुझे एक बोलते मैं उनको दो बोलता, अब वो मुझे एक बोलते मैं खुद के बारे में एक चीज और ऐड कर देता. वो कहते हाँ वे उंगली, मैंने कहा हाँ यार तुम सही कह रहे हो, सही नाम रखा है तुमने मेरा, मैं हूं ही बेवकूफ, मैं हूं ही पागल. तो ये करते करते हुआ क्या, मजे की बात मेरे को अभी भी याद है, उनमें से एक लड़का जो मेरा सबसे ज्यादा मजाक उड़ाता था स्कूल टाइम में, उसने बोला, जब ऐसे ही कुछ देर तक ये चलता रहा, तो उसने बोला कहता भाई संदीप तू बिल्कुल बदल गया है, तू तो बिल्कुल ही बदल गया है. और उसकी जो टोन थी ना बोलने की, वो खुशी वाली टोन नहीं थी. He was in a state of shock. वो सदमे में था कि भाई ये हुआ क्या इस लड़के को, वो सदमे में था. क्यों?
क्योंकि उसकी पावर उसके हाथ से चली गई थी. सोचो किसी के हाथ में बहुत ज्यादा पावर हो और वो एकदम से चली जाए रातों रात, तो क्या होगा? वो कैसे रिएक्ट करेगा? वो शॉक में आ जाएगा ना, कहेगा भाई ये क्या हुआ है, ये हो क्या रहा है? क्योंकि उसकी पावर थी क्या? उसकी पावर थी मेरा गुस्सा. मुझे गुस्सा आता था और वो मुझे गुस्सा दिलाता था. मैं चिढ़ता था, वो मुझे चिढ़ाता था. मैंने चिढ़ना बंद कर दिया, अब वो किसको चिढ़ाएगा? सोचो, उसकी पावर गायब. उसके जोक्स फेल, पूरी तरह से फेल. मतलब वो कुछ भी कोशिश करता हुआ फेल. किसी को हंसी नहीं आती. उसके बाद में जो मैं अपने बारे में बोलता हूं उसमें ज्यादा हंसी आती. तो ये मेरा लाइफ का छोटा सा मैंने आपको एक्सपीरियंस बताया कि किस तरह से अगर हम अपने अंदर एक इतना छोटा सा चेंज लेकर के आ जाए तो किस तरह से हमारी लाइफ एक बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन पे निकल जाती है. सोचो मेरे अंदर का गुस्सा मर गया, फ्रस्ट्रेशन गायब हो गई, दुख गायब हो गया, क्योंकि अब मुझे हंसने के लिए किसी और की जरूरत नहीं थी, टीवी देखने की जरूरत नहीं थी, खुद के ऊपर अकेले में बैठ करके हंस सकता था. कितना कुछ मिल गया छोटी सी चीज के थ्रू. और आपने भी शायद ये चीज नोट करी होगी कि जब मैं स्टेज पर होता हूं या वैसे भी रियल लाइफ में भी, कि किसी भी तरह का कोई भी जोक क्रैक करने में, चाहे कितने भी लोग बैठे हों, चाहे 10 लोग बैठे हों, चाहे 10,000 लोग बैठे हों, मुझे 1% भी दिक्कत नहीं होती. हुआ क्या है कि आज मुझे अच्छे तरीके से समझ आ चुका है कि मैं चाहे कैसा भी जोक क्रैक करूं यहां पर, कैसा भी, अच्छा हो या बुरा हो, एक चीज गारंटीड है, आप लोगों ने हंसना ही हंसना है. हंसना ही हंसना है, गारंटीड हंसना है. और ये मेरा कोई ओवर कॉन्फिडेंस नहीं है जो किसी इमेजिनेशन के ऊपर बेस्ड है, ये मेरा कॉन्फिडेंस है जो रियलिटी के ऊपर बेस्ड है. और मैं बताता हूं कैसे मैं ये बात बोल रहा हूं. मैंने कोई जोक क्रैक किया या कुछ बोला यहां पर आकर के, अगर आपको जोक समझ आ गया तो आप क्या करोगे? हंसोगे, उस जोक के ऊपर ठाके मार मार के हंसोगे, खुल के हंसोगे. और अगर वो जोक समझ नहीं आया तो क्या होगा? तब भी आप हंसोगे. फर्क यह है कि आप मनी मन मेरे जोक के ऊपर नहीं, मुझ पर हंसोगे. कि कितना बेवकूफ आदमी है, ये तो पागल है बिल्कुल ही. मनी मन आप हंसे ना, तो हुआ वो जो मैं चाहता था. मेरा मकसद क्या था? मेरा मकसद क्या था? ये नहीं था कि आप मेरे जोक के ऊपर हंसो, ये था कि आपकी जिंदगी में थोड़ी सी खुशी आ जाए, बस. अब इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप मेरे जोक के ऊपर हंसो या मुझ पर हंसो, क्या फर्क पड़ता है? हाँ, या मेरी बेवकूफियों पे हंसो, या मेरे फेलियर्स पे हंसो, या मेरी वीकनेसेस पे हंसो. होता क्या है, जब हम धीरे धीरे इस रास्ते पे चलते हैं तो वो दिन दूर नहीं है जब सिर्फ हम अपनी छोटी छोटी वीकनेसेस का मजाक नहीं उड़ाते बल्कि बड़े से बड़े फेलियर का भी मजाक उड़ा सकते हैं. बड़े से बड़े फेलियर का, सोचो ये क्या है. एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में मैंने अपने लास्ट लाइफ चेंजिंग सेमिनार में बात करी थी. वन ऑफ द बिगेस्ट फियर्स इन द वर्ल्ड, मतलब इस दुनिया में जितने भी डर हैं आपकी लाइफ में, उनमें से सबसे बड़े डरों में से एक वो था, सबसे बड़ा रोग. आप में से इतने सारे लोग यहां पर बैठे हुए हैं और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि जो आप कर सकते हैं, मतलब कि जो आपका पोटेंशियल है, आपको पता है अंदर से कि मैं ये कर सकता हूं, आप करना चाहते हैं फिर भी नहीं कर रहे. क्यों? क्योंकि अंदर ही अंदर बहुत गहराई में एक्सक्यूजेस दे रहे हो कि मैं इस वजह से नहीं कर रहा, उस वजह से नहीं कर रहा. रीजन कुछ और है. रीजन क्या है कि अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं एक डर बैठा हुआ है कि यार मैं सक्सेसफुल हो गया तो बढ़िया है, अगर फेल हो गया तो मेरा कितना मजाक उड़ेगा. ये आता है अंदर से, ये डर हमको आगे बढ़ने से रोकता है, सबको रोकता है. किसी के अंदर कम है, किसी के अंदर ज्यादा है, सबके अंदर होता है ये डर. तो धीरे धीरे अगर आपने इसको प्रैक्टिस करना शुरू किया, अपने ऊपर हंसना शुरू किया, तो वो दिन दूर नहीं है भैया जब ये डर पूरी तरह से आपके अंदर से निकल जाएगा. आपको रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ेगा कि वो लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं. जिसका जो काम है उसने वही करना है. आप कुछ अच्छे से अच्छा भी कर लो ना लाइफ में, आप जा करके हिमालय के ऊपर जा करके झंडे गाड़ दो माउंट एवरेस्ट के ऊपर, तब भी जिसने आपके ऊपर हंसना है वो हंसेगा, वो कहेगा देखो पागल है कहां पहुंच गया. तो क्या जरूरत थी? तो कहेगा ये कोई काम है करने वाला, घर पे बैठो टीवी देखो खाओ पियो मस्त रहो, क्या जरूरत है कुछ करने की.
तो जिसने मजाक उड़ाना है, जिसका बेसिक नेचर है नेगेटिव चीजों को देखने का, वो नेगेटिव ही देखेगा भाई, तो फर्क क्या पड़ता है। और ये एक छोटी सी क्वालिटी है जो आप उन सब लोगों में देखोगे इस पूरे दुनिया में जो भी लोग अपनी जिंदगी को खुल करके जी रहे हैं, चाहे कोई भी हो, उन्हें इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया उनके बारे में क्या सोचती है, क्या बोलती है। इट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस टू देम। तो जीना है तो क्या करना है? खुल के जीना है और खुद पर हंसना है। खुद का मजाक उड़ाने से कभी भी पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इससे होता क्या है, सिर्फ इतना नहीं होता, इसके और एक स्टेप और अंदर जाते हैं, थोड़ा और डीप में जाकर के देखते हैं क्या होता है। कि जैसे जैसे आपको खुद की वीकनेसेस का मजाक उड़ाना आ गया, खुद की बेवकूफियों का, खुद की कमियों का, खुद के फेलियर्स का, तो धीरे धीरे ये जो सक्सेस है ना, सक्सेस जो हमको मिलती है, हम उसका भी मजाक उड़ा पाएंगे, अपनी सक्सेस का, किसी और की सक्सेस का नहीं। और की सक्सेस का तो दुनिया मजाक उड़ाती है कि अपने पड़ोसी के पास में अपने से बड़ी गाड़ी आ गई, जरूर कोई गलत काम कर रहा है, जरूर कोई गड़बड़ काम कर रहा है, होता है खुद की सक्सेस का। और देखो इससे क्या होगा, मैंने आज तक अपने सेशंस में ये इस टॉपिक को बहुत ज्यादा टच किया है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको क्या करना है, लेकिन मैंने इस टॉपिक को टच नहीं किया कि सक्सेसफुल होने के बाद क्या करना है। क्योंकि जहां आप सक्सेसफुल हुए, आपके पास में, आपकी फील्ड में आपका नाम हुआ, आपके पास में पैसा आया, आपके पास में पावर आई, तो आप चाहो ना चाहो उस सक्सेस ने आपके दिमाग पर चढ़ना ही चढ़ना है, गारंटीड चढ़ना है। आपके अंदर अहंकार आना ही आना है, आपकी ईगो ने बढ़ना ही बढ़ना है, और जिसके अंदर अहंकार आया, जिसके अंदर ईगो आई, वो अंधा अकड़ गया, जो भी अकड़ा समझो वो मर गया। क्या होता है ऐसे लोगों के साथ में, उनके अंदर का बच्चा मर जाता है। जहां ये सक्सेस, जब तक कि ये हमारे पैर की जूती पे है तब तक ठीक है, जहां ये सर पे चढ़ी गड़बड़ शुरू, आप खुल करके वो कर ही नहीं पाओगे जो आप करना चाहते हो, बस ईगो बढ़ती चली जाएगी, अकड़ बढ़ती चली जाएगी। पता कैसे लगेगा आपको ये चीज हो रही है? जब भी जिंदगी में हंसी छिन जाए, सीरियस हो जाओ, माथे पे सलवटे पड़नी शुरू हो जाए, अकड़ जाओ, हमेशा अकड़े अकड़े रहो, तो समझ जाओ आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो। उस समय वक्त है अपने फेलियर्स का नहीं, अपनी सक्सेस का मजाक उड़ाने का। अरे क्या हो गया, हो गया तो टेम्पररी है, नाम भी टेम्पररी है, सक्सेस भी टेम्पररी है, और मेरे हाथ की चीज नहीं है। सीरियस होना है तो काम के बारे में सीरियस होना है, जो काम मैं कर रहा हूं उसको पूरी ईमानदारी से करना है। नाम का क्या है, नाम और बदनाम में कितनी देर का फर्क है, कुछ सेकंड्स का। तो इस चीज को लेकर के क्यों सीरियस होना है, सक्सेस को लेकर के क्यों सीरियस होना है, पैसे को लेकर के क्यों सीरियस होना है, इन सब चीजों को लाइटली लेना है। सिर्फ फेलियर्स को नहीं, सक्सेस को भी लाइटली लेना है, और पूरी तरह से आजाद रहना, पूरी तरह से खुल के जीना है अपनी लाइफ को। मतलब कि बिल्कुल वैसे ही रहना है, कुछ भी हो जाए, कितना भी ऊपर लेवल पे आप पहुंच जाओ, बिल्कुल वैसा ही रहना है जैसा आप तब थे जब आपने अपने करियर की शुरुआत करी थी, जब आप छोटे से बच्चे थे। दिल में वो बच्चा मरना नहीं चाहिए, भागना है, उठना है, गिरना है, फिर चलना है, फिर हंसना है, खिलखिलाना है, रोना है, जो मन कर रहा है अंदर से वो करते चले जाना है। मतलब कि दिमाग होना चाहिए बुद्ध के जैसा, और दिल होना चाहिए एक छोटे से बच्चे के जैसा।